नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। चंदौली में शुक्रवार की सुबह जिले में बड़ा हादसा हो गया। मुगलसराय के रविनगर मोहल्ले में दयाल हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से दो लोगों की मौत हो गई। विस्फोट इतना भयानक था कि दोनों के चिथड़े उड़ गए और शरीर के कई अंग इधर उधर बिखर गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी सहम गए। बताया जा रहा है कि रविनगर स्थित दयाल हॉस्पिटल के बाहर वाहन में ऑक्सीजन सिलेंडर लदा था। कुछ लोग सिलेंडर उतार रहे थे, उसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली ने वाहन में धक्का मार दी। हादसे में एक के बाद एक भरा सिलेंडर नीचे गिर गया और तेज धमाके के साथ फट गया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। वही धमाके की आवाज सुनकर लोग सहम गए और घरों के बाहर निकल पड़े। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। जानकारी होते ही सीओ अनिरुद्ध सिंह और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। साथ ही राहत एवं बचाव कार्य के लिए फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल दोनों शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रैक्टर चालक लापता है, हादसे में वह भी मरा है या भाग गया है, इसकी तफ्तीश की जा रही है। देखिए, थाना मुगलसराय के अंदर जो मेडिकल ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, यहाँ पे हॉस्पिटल है गली में, उसके वहाँ पे सप्लाई किया जा रहा था। जब उसको उतार रहे थे दो लोग जिनके द्वारा वो लेके आए, तो वो उतारते हुए या तो हैंडलिंग के कारण, अभी पूरी जांच उपरांत पता लगेगा किस कारण वो ब्लास्ट करा। जब वो ब्लास्ट कर रहे थे, तो इसमें दो लोगों की जो बताया जा रहा है कि मृत्यु हो गई है, उनकी जो बॉडीज है उसको मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी लैप्सेज होंगे उसके ऊपर भी पूरी जांच करके उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी, किस कारण से वो फटा, गिरने से फटा या एक्सेस प्रेशर से फटा। फोरेंसिक टीम को हमने मौके पे बुला लिया है। सारे एविडेंसेस जो है उसको हम यहाँ से लेंगे और उस पर जो उचित विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। देखिए, सारा जाँच में सामने आ जाएगा कि उसमें प्रेशर ज्यादा था या किस कारण से वो गिरने से फटा, क्योंकि ये काफी स्ट्रांग सिलेंडर्स होते हैं और लगातार पहले भी सप्लाई होते रहे हैं, तो किस कारण से फटा, तो वो पूरी जांच उपरांत ही इसमें जो उचित विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कौन लोग हैं ये जो मरे हैं, इनकी पहचान हो गई? ये जो सप्लाई करने वाली कंपनी वाले थे, उन्हीं के जो व्हीकल पिकअप जो बताया जा रहा है, बलेरो पिकअप जो है गाड़ी, उनके द्वारा ही वही उसको उतार रहे थे दो लोग। उन दोनों की ही मृत्यु बताई जा रही है। आसपास के भी थोड़े बहुत शीशे जो टूट गए हैं उस कारण से जो वो गिरा, एक सिलेंडर इसमें फटा है जो बताया जा रहा है, बाकी सिलेंडर नहीं फटे हैं। तो उसमें जो भी पूरा एविडेंस के बाद, जांच के बाद आएगा, जो बाकी सिलेंडर उनको भी चेक किया जाएगा कि प्रेशर ज्यादा था या किस कारण से वो फटा, उसके बाद ही इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो बताया जा रहा है कि वो तो उस कारण से जब फटा, तो उस कारण से वो ट्रैक्टर वहाँ रोका गया। एक्सीडेंट का ऐसा नहीं लग रहा है कि एक्सीडेंट के कारण वो फटा है जो बताया जा रहा है, क्योंकि एकदम से वहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो कुछ आसपास के लोग देख नहीं पाए। एक दो सीसीटीवी कैमराज हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी फुटेज लेकर एग्जैक्टली देखा जाएगा कि किस कारण से वो ब्लास्ट हुआ। अभी प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि हैंडलिंग के कारण ही वो ब्लास्ट हुआ है या ओवर प्रेशर के कारण। बाकी जो भी जांच में आएगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी।